तो अभी हमारे पास क्या है? सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो है ये चैप्टर फर्स्ट जो है अब ख़त्म होने वाला है कुछ ही समय में। इस प्लेलिस्ट में मैंने लगभग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे डाल दिए हैं। तो आप लोगों को अब करना ये है कि उन टॉपिक्स को बारी बारी से रिवाइज करने के लिए बार बार देखें और उनको पढ़ें। हम अब जो है अगला जो चैप्टर है आपका वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देना ज़रूरी था कि मैं यहाँ पर कुछ और भी एक दो वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी होंगी। तो स्टूडेंट जरूरी है आपको अभी मेरे साथ जो चैनल पे जुड़े हुए हो तो आप सारी के सारी वीडियोस को समय निकाल करके प्रॉपर समय निकाल करके समय से देख लें, जिससे क्या है कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए और आप एग्जाम में आप उसे अच्छी तरीके से लिख सकें। तो सबसे पहले है समरी ऑफ द सेलुलर फंक्शन। सेलुलर फंक्शन की समरी के बारे में अब हम लोग समझेंगे। समरी का मतलब होता है सारांश। तो मैंने यहाँ पर समरी ऑफ द सेलुलर फंक्शन, जितने भी सेलुलर फंक्शंस होते हैं उन सब की यहाँ पर लगभग मैंने समरी को लिख दिया है। समरी का मतलब जैसे मैंने बताया क्या होता है, सारांश होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ द मटेरियल इन टू एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब रेगुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ द मटेरियल इन टू एंड आउट ऑफ द सेल, मटेरियल का सेल के अंदर से बाहर आना और अंदर जाना, ये जो प्रोसेस है आपकी वो आपका सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। मैंने इसको पढ़ाया हुआ है ऑस्मोसिस के रूप में। सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को ढूंढ सकते हैं। अगला है आपका सेल वॉल, प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप। सेल वॉल का मेन काम ये होता है उसका सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन करना, मेंटेनेंस उसे सही से बनाए रखना, सेल को ऑफ द सेल शेप, सेल की जो शेप है उसको सही आकार में बनाए रखने का काम सेल वॉल का होता है। क्योंकि सेल के अंदर ऑस्मोसिस जैसी प्रोसेस होती है तो सेल जो है कभी कॉन्टैक्ट होती है तो कभी एक्सपेंड होती है, फैलती है, एक्सपेंस हो जाती है। तो ऐसे केस में सेल वॉल क्या है कि उसे फटने से और भी कई चीज़ों से जैसे सेप वगैरह उसकी बदलने से बचाता है। कौन? सेल वॉल। अगला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है कंटेन मोस्ट ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए ऑफ द सेल। ज़्यादातर जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। इसको हमने बताया था पहले, इसी मास्टर भी बोलते हैं क्योंकि सारी केमिकल एक्टिविटीज को यही कंट्रोल करता है। तो कंटेन मोस्ट ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल अनुवांशिक जो मटेरियल है जिससे क्या है कि अगले आने वाले बच्चे के अंदर पेरेंट्स के जो गुड़ जाते हैं वो जो मटेरियल है सारा का सारा आपका डीएनए के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस जो होता है कंटेन मोस्ट ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल, तो न्यूक्लियस ज़्यादातर हेरिडिटरी मटेरियल रखता है। ये टॉपिक दो बार लिख गया है तो एक आप जो है एक ही बार लिखना है इसको, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस फिर से बता देता हूँ, कंटेन मोस्ट ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए ऑफ द सेल। इसके अंदर मतलब ये डीएनए जो होता है सेल का वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस एंड द इंटर सेलुलर स्टोरेज। इसका काम होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण करता है एंड इंटर सेलुलर स्टोरेज भी करता है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल सच एज जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसे मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी करता है। कौन करता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में ईआर भी पढ़ देते हैं, ठीक है? अब है आपका मिटोकॉन्ड्रियम। मिटोकॉन्ड्रियम का काम क्या होता है? ड्राइव द केमिकल एनर्जी। ये दरअसल क्या होता है, केमिकल ऊर्जा को निकालता है या केमिकल ऊर्जा बनाता है, केमिकल से ऊर्जा बनाता है ऐसे मान लो, फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द यूज। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल बॉडी के अंदर होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, तो उनसे क्या करता है मिटोकॉन्ड्रिया, हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसको पावर हाउस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस भी इसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर पावर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपके यहाँ पर टॉपिक है। अब इनको मैं बर्ड मीनिंग भी इनके आपको बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। हमारे पास में अभी ये बर्ड मीनिंग है तो उनको देखेंगे। सेल कॉन्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है,
जिसका मतलब होता है सेल के अवयव। रेगुलेशन का मतलब होता है नियमित करना। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? नियमित करना या नियंत्रण करना। पैसेज का मतलब होता है मार्ग। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है, मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। इनटू मतलब होता है मैं, अच्छा। प्रोटेक्शन होता है सुरक्षा। मेंटेनेंस होता है रख रखाव। कंटेन मतलब होता है रखता। मोस्ट मतलब होता है ज्यादातर, ज्यादातर। मटेरियल होता है हेरिडिटेरी का मतलब होता है अनुवांशिक या फिर पैतृक। हेरिडिटेरी का मतलब क्या होता है? अनुवांशिक। मोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। इंटरसेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर का। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है कार्बन, और प्रोटीन्स का मतलब प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बड़ मीनिंग है। ड्राइव्स मतलब चलाना निकालना, ये सब होता है। केमिकल एनर्जी होता है रासायनिक ऊर्जा। केमिकल एनर्जी होता है रासायनिक ऊर्जा। और यहाँ पर मटेरियल का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके बड़ मीनिंग है। चाहो तो आप मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव, ये आपको याद रखने हैं। सेल वॉल तो आपको पता ही है, सेल भित। सेल वॉल का मतलब होता है सेल भित, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके सेल के पार्ट हो गए जो आप लोगों को याद करने हैं सही समय से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब मैंने बता दिया, नियमित करना, बस कंप्लीट हो गया बड़ा मीनिंग।